ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रशासनिक भवन गांधी सदन एवं कुलपति आवास पर प्रोफेसर एस के सिंह ने किया झंडोत्तोलन। 74वें गणतंत्र दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विश्वविद्यालय के दिवंगत कर्मियों के 23 पालियों के दिव्य नियुक्ति पत्र। आज का दिन पूरे भारतवासियों के लिए सम्मान एवं गौरव का दिन है। गणतंत्र दिवस हमें बतलाता है कि नियमानुसार हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसकी हमें स्वतंत्रता है। हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने नेता चुन सकते हैं। हम देश में कैसे शासन सत्ता या सरकार चाहते हैं उसे अपनी पसंद से चुनने का हमें मताधिकार प्राप्त है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय मुख्यालय में झंडोत्तोलन के उपरांत अपने संबोधन में कही। इस अवसर पर पढ़ते कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, सीनेट और सिंडिकेट सदस्य, प्रधानाचार्य, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकोत्तर कर्मी, छात्र छात्राएं तथा एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस स्वयंसेवकों आदि उपस्थित थे। झंडोत्तोलन के अवसर पर विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के अध्यक्षता प्रोफेसर पुष्पम नारायण के नेतृत्व में विभाग के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान तथा देशभक्ति का गान प्रस्तुत किया। विद्यालय परिवार की ओर से संबोधित कर रहे थे, आप सबों को बधाइयाँ दे रहे थे। यह विश्वविद्यालय का एक इतिहास लिखा जा रहा है कि ये तीसरा गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय कुलपति द्वारा झंडोत्तोलन हो रहा है। और हर साल जो हमारे शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मी भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनके पालियों को इस अवसर पर हम नियुक्ति पत्र देते हैं। विगत 3 वर्षों में कुल 81 लोगों को यह पत्र दिया जा चुका है। उसी की कड़ी में आज 23 पालियों को इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्हें सभी नियुक्ति जो हैं जो आज उन्हें पत्र सुपुर्द किया जा रहा है उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। और उम्मीद है कि वो जिन्हें नियुक्त किया जा रहा है वो विश्वविद्यालय परिवार में आज से शामिल हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालय परिवार का जो आचरण है, और हमेशा हर कोई इस बात को कहता भी है कि ये युवा की ताकत बड़ी ताकत होती है। बदलाव की जो भी शक्ति है वो युवाओं के पास होती है और युवा ही बदलाव कर सकते हैं, ऐसा मानना है, ऐसा सभी मानते हैं। और सिद्ध करके भी इसी बिहार के जयप्रकाश नारायण जी ने ये दिखाया कि युवाओं की ताकत से कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे अभीष्ट पाया जा सकता है, कैसे कुछ आगे की दिशा तय की जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये संगम विश्वविद्यालय दोनों का है, जो विवेकवान साथी हैं उनका भी है और जो ऊर्जावान साथी हैं जिन पर एक जिम्मेदारी हम देते हैं उनका भी है। ये गठजोड़ या ऐसा संबंध कहीं और आपको नहीं मिलेगा जहां आपको दिशा दिखाने वाले गुरुजन भी हों और उस दिशा पर उत्साह के साथ चलने वाले आप जैसे युवा साथी भी हों। ये बदलाव होता है और बदलाव लेने के लिए दोनों शक्तियों की जरूरत होती है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं, कोई बढ़ता है, कोई परिवर्तन लाता है, तो कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके साथ उस स्पीड से नहीं चलना चाहते हैं, उसे शामिल नहीं होना चाहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। तो ऐसी जो निगेटिव शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उनको काउंटर करने की ज़रूरत है, उन्हें प्रतिरोध देने की ज़रूरत है। इसके लिए ताकत की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपकी ताकत, युवाओं की ताकत माने रखती है इस व्यवस्था को देने से। और फिर एक मार्ग बनाने की भी बात बनती है जिस पर हमें आगे चल करके इन अभीष्ट को प्राप्त करने का एक संकल्प लेना होता है, एक रास्ते पर चलना होता है। ये दोनों शक्तियाँ कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, ये दोनों शक्तियाँ कहीं मिल सकती हैं तो इस देश के सारे विश्वविद्यालय हैं, इस देश के सारे महाविद्यालय हैं, इस देश के सभी कॉलेजेज हैं जहाँ युवा पढ़ते हैं और उनके गुरुजन उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। हम दोनों को ये प्रतिज्ञा करनी होगी, ये सोचना होगा, ये स्थान समझना होगा कि हमारी ताकत अपनी सकारात्मकता के लिए है, निगेटिव शक्तियों के लिए नहीं है, उनको सहयोग करने के लिए नहीं, उनसे मुठभेड़ करने के लिए है, उन्हें पराजित करने के लिए। और कुछ नहीं करना होता है, केवल एक ध्येय बना करके अगर हम चलना शुरू करते हैं, ये सारी शक्तियाँ अपने आप पराजित हो जाती हैं, तो एक मार्ग हमें मिलता है। आपने देखा कि भारत आज बदलता हुआ भारत है, परिवर्तनशील भारत है, वो भारत नहीं है जो भारत कभी हुआ करता था। आज
बदलाव के साथ भारत है। हम सब गर्व करते हैं उस बदलाव के लिए कि जो स्वाभिमान हमारा है, जो अभिमान हमारा है, जो गौरवशाली गाथा हमारी थी कभी, आज हम उसकी तरफ अग्रसर हैं, उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बधाई के पात्र हम सभी हैं जो इस रास्ते पर चलने के लिए अपनी ताकत लगाए हुए हैं, अपनी ऊर्जा लगाए हुए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने भी मेरे साथ आप सबके सहयोग से 2 वर्षों से अधिक समय में तमाम सारे कीर्तिमान इस विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है। उन कीर्तिमानों के सहारे बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय बना हुआ है। ये जाहिर सी बात है कि ये सोच का परिणाम है, उस पर आगे चलने का परिणाम है। जो हम समझ रहे हैं, जो हमारी ताकत है, उसको संयोजित करके, संगठित करके हम विश्वविद्यालय के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज बदलाव सभी दिशाओं से होता है। अगर हम कभी ऐसा समझें, सत्यमेव जयते।